फिर से भजन के माध्यम से हम आप सबका तो फिर उनको दूसरा दूसरे ढंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके और से भी 501 रुपए का पुरस्कार मिला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए से साधा संवाद है और मजबूरी कहानी का कि पहुंचा कुछ सिपाही काम है कि मृत्यु लोक में जिसका भी आज समाप्त हो जाए पूरा हो जाए उसके प्राण आत्मा को पकड़ के ले जाके यमुना जी के सामने हाजिर कर देते। तरह जब एक दिन उतरे चारों आपस में विचार किया हम लोग समूचे मृत्यु लोक का दौरा करते रहते हैं लेकिन इसी मृत्यु लोक में एक मरणध्वज राजा का भी राज्य है जिसके राज्य के अंदर हम लोग कभी नहीं जाते हैं जबकि मरणध्वज राजा का राज्य भी इसी मृत्यु लोक में है और पूरे मृत्यु लोक का शासन मेरे मालिक यमराज के हाथ में है तो हम लोग तो कहीं नहीं जा सकते हैं। चलो आज मरणध्वज राजा के राज्य में ही प्रवेश करेंगे। चारों सिपाही मन में विचार मैं प्रवेश करने आज तक जो कोई मरणध्वज राज में नहीं जाते थे इसका एक कारण था भैया ध्यान कीजिए कथा है इसमें शोरगुल कीजिएगा तो मजा नहीं आया क्योंकि बहुत शोरगुल हो रहा है अगल बगल में। देखिए हम कह रहे हैं कि आज तक जो कोई यमराज का सिपाही मरणध्वज राज में नहीं जा सके थे इसका एक कारण मरणध्वज अपने भक्ति के बल पर इतना खुश कर लिए थे भगवान को कि भगवान सुदर्शन चक्र का पहरा करवा देते थे मरणध्वज राज के चक्र पर। भगवान का आदेश था कि अगर मरणध्वज राज का एक बीची भी मरता है उसको कोई यमराज का सिपाही धोखे से भी नहीं पकड़ता उससे मेरे लोग को वैकुंठ भेजेगा। लेकिन आज जो नया चार सिपाही प्रवेश करने चला और जो ही मरणध्वज राज के सीमा पर पहुंच के प्रवेश करना चाहा सुदर्शन नाचने लगा चारों के आया कहा अगर एक कदम इधर बढ़ाया तो चारों का गर्दन नहीं उतार के रख लूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यमराज का सिपाही कहा है सुदर्शन तुम कौन होते हो मेरे रास्ते को रोकने वाला मैं यमराज का सिपाही हूं पूरे मृत्यु लोक का शासन मेरे मालिक के हाथ में है तो तू मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। सुदर्शन का हाथ में कोई क्षमता नहीं है कि हम किसी के रास्ते को रोक सकते लेकिन हमें ये क्षमता दिया गया है जानते हो कहां से पावर हाउस से ये क्षमता मिला है। कहा कि मैं हूँ हरि के आज्ञा अनुसार अरे इस नगरी का पहरेदारा अब क्या कुछ जब भी जान सके जब तक मैं हूँ यहाँ तक।